मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव जल्द होने हैं, इसी के चलते कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन उज्जैन पहुंचे, जिनका स्वागत मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव और महापौर पद के प्रत्याशी कमल चौहान ने किया। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में नगरीय निकायों के चुनाव होना है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में हलचल शुरू हो गई है और सभी जिम्मेदार नेताओं को जिम्मेदारियां दे दी गई है। प्रत्याशियों के चयन हेतु बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, इसी के चलते आज पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन आज कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन हेतु कार्यकर्ताओं की बैठक लेने उज्जैन पहुंचे, जहां उज्जैन के निनोरा टोल गेट पर बच्चन के पहुंचने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव कमल चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। चर्चा के दौरान बच्चन ने कहा कि पार्टी डिजर्विंग प्रत्याशी हेतु एनालिसिस कर रही है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि कौन सा प्रत्याशी जीतने योग्य है, कौन सा पार्षद के पद पर जीत सकता है, कौन महापौर जीत सकता है। इसी का निर्णय कमलनाथ द्वारा लेकर प्रत्याशियों को मौका दिया जाएगा। उज्जैन नगर निगम हमारी सरकार बनाएंगे और युवाओं को भी इस बार मौका दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बच्चन ने कहा कि संगठन जो तय करेगा उसको सभी लोग मानेंगे और वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। आज पूर्व गृह मंत्री हमारे बाला बच्चन जी का हमने स्वागत किया है। आज वो यहाँ आए इसलिए आए कि महापौर और नगर निगम के वार्डों का सर्वे में लेने आए हैं। सर्वे के किस अंतर्गत कौन चुनाव लड़ा है, कौन हारा है, कौन कितने वोट से हारा है, किस समाज के किस तरीके के वोट है, इन बातों को लेकर आज बाला बच्चन जी का हमने स्वागत किया है, सम्मान किया है। देखिए, जो डिजर्विंग और जो विनर कैंडिडेट है, पार्टी अपना ऑब्जर्वेशन कर रही है, एनालिसिस कर रही है और सही ऑब्जर्वेशन और एनालाइज होने के बाद कि कौन संबंधित वार्ड से जीत सकता है, कौन महापौर के लिए जीत सकता है, उनको माननीय पार्टी की तरफ से और आदरणीय हमारे जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के आदरणीय कमलनाथ जी, उनको आप सबकी सिफारिश पर टिकट देंगे और उसके बाद हम लोग उज्जैन नगर निगम में हमारी सरकार बनाएंगे। युवाओं को कितना इसमें प्रोत्साहन मिलने वाला है? देखिए, युवाओं को वरिष्ठों का सबका तालमेल बिठाया जाएगा। जो डिजर्विंग और जो विनर कैंडिडेट है, जो उस वार्ड की जो जनता जनार्दन की मांग होगी कि ये जीतने वाला कैंडिडेट है, जिनने हमेशा हमारे हकों की लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस के लिए हमेशा ही खड़े रहे हैं, संगठन का काम इन्होंने जो किया है, तो चुनावी पॉइंट ऑफ व्यू से जो विनर है उनको पार्टी उठाएगी और उनको चांस और अवसर देगी।